आज हम अपने रूट स्टॉक्स MMX11 के प्लांट्स के बीच बीच में कैबेज ही लगा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से है अपनी कैबेज, और ऊपर जहां पहले पूरे खेत में लगा लेता हूं कैबेज को, और देन जाकर फिर आपको रिपोर्ट देते हैं कि कैसी। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने ऑर्चर्ड पर पुनः एक बार फिर से हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने साइड लैंड प्रिपेयर की है देखिए, और उधर हमने कैबेज लगा ली है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज हम अपने रूट स्टॉक्स MMX11 के प्लांट्स के बीच बीच में कैबेज ही लगा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से है अपनी कैबेज, और ऊपर जहां हमारे दोस्त बैठे हुए देखिए छोटू, तो इसके पीछे भी इसमें कैबेज ही है, पेटी जो है इसमें, तो उधर से निकाली जा रही है और फिर लाइनें हम निकाल रहे हैं और साथ में कैबेज लगाई जा रही है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, ये अपने रूट स्टॉक MMX11 वाले प्लांट ही है। इसमें हमने इससे पहले जो चूना लगाया था वो वीडियो आपने काफी अच्छी पसंद की, ठीक है। तो अभी ये देखिए कुछ इस तरह से लगाई जा रही है कैबेज, और इस पेटी में भी अभी बहुत सारी कैबेज रही हुई है। देखिए ये अपने प्लांट से देखिए, इधर देखिए, तो इतने सारे एरिया में हमने ये लगा ली है, और उधर हमने ये नहीं किया, क्या कहते हैं इसको, स्टेम पैंट नहीं लगाया। अब हम इसके पश्चात जब हम कैबेज की निंदाई करेंगे देन उस टाइम हम क्या इसको लगाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हम इस तरह से लगा रहे हैं, देखिए नालियां निकाली गई है और साथ में कैबेज लगा रहे हैं। जैसे यह है बंद गोभी, एक इधर है देखिए ये वाली, और दूसरी उधर है देखिए। तो एक बंद गोभी से दूसरी की बंद गोभी का जो हम गैप रखते हैं किसान एवं बागवान भाइयों, वो करीब 6 से 8 इंच के बीच में है, और लाइन टू लाइन दूरी 1 फीट मैक्सिमम है, और मिनिमम आप इसको 8 इंच रख सकते हैं। वैसे हमने 1 फीट से ज्यादा ही रखी है, ऐसा मान लीजिए आप 14 इंच कम से कम। यह नई लाइन निकाली गई है देखिए। अभी हमने इस लाइन में क्या करना है कि उधर तक देखिए, जैसे उधर तक दिख रही है, इसमें इस तरह से जो कैबेज का गुच्छा होता है उसको लगाना है, ताकि हमारा एक अच्छा सीक्वेंस बना रहे लाइन टू लाइन में, ठीक है। तो किसान एवं बागवान है कुछ इसी तरह से अभी हम लगा रहे हैं बंद गोभी को। तो उधर देखिए, अगर हमारे पास से ये बंद गोभी थोड़ी और बचती है, जैसे ये देखिए पेटी में बंद गोभी, अगर इससे बचती है बंद गोभी तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी लैंड जो प्रिपेयर करनी रही इसको भी हम प्रिपेयर कर देंगे, और फिर जाके इधर भी हम बंद गोभी को ही लगाएंगे किसान एवं बागवान भाई। तो देखिए कुछ इस तरह से इधर तक हमने अपने इसमें लगा दी है पौधों में, तो अभी बचा यो एरिया इधर से इधर तक देखिए, और नीचे लैंड प्रिपेयर करनी रही है, और उधर हमने प्रिपेयर की हुई है, बस थोड़ा सा बचा है, तो वो हम अपने पावर टिलर के साथ कर लेंगे झट से ही, उसका कोई ये नहीं है, देर नहीं लगेगी उसमें। तो किसान एवं बागवान भाई, अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले पूरे खेत में लगा लेता हूँ कैबेज को, और देन जाकर फिर आपको रिपोर्ट देते हैं कि कैसी हमने लगा लिया, ठीक है। अभी ये एरिया हमने कवर करना है, और उधर देखिए आसमान में बिल्कुल खराब हो गया है, जैसे आसमान में बादल ही गरज रहे हैं, देखिए शायद आपको भी सुनाई दे रहे होंगे वीडियो में। तो किसान एवं बागवान भी मिलते हैं थोड़ी देर बाद और अपडेट के साथ कि हमने कितनी लगा चुकी है, ठीक है क्या वजह, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से। किसान एवं बागवान भाइयों, ये देखिए अब हमने जितनी लैंड प्रिपेयर की थी इधर तक अपने खेत में, तो उस पूरी जमीन में हमने क्या की कैबेज लगा दी है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से अपना ऑर्चर्ड अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अपनी कैबेज। अभी हमने कैबेज में पानी भी डाल दिया है, तो पानी डालते डालते फिर अंधेरा हो गया है, तो देखिए कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है और अंधेरा हो चुका है पूरी तरह से। तो वीडियो बनाने का वैसे कोई पर्पस नहीं था, कोई मकसद नहीं था, बट मैं ये आपको बताना चाहता था कि मैं अपने जो रूट स्टॉक्स MMX11 के प्लांट्स हैं एप्पल प्लांट्स, तो उनके बीच में कौन सी फार्मिंग कर रहा हूँ मैं। देखिए इससे पहले मैंने इधर फूलगोभी लगाई हुई थी, अब मैंने इधर कैबेज लगा दी है, और आने वाले समय के पश्चात कुछ 2-3 महीनों के बाद हम इधर पीस लगाते हैं, ग्रीन पीस, ठीक है। तो ये देखिए किसान एवं बागवान में कुछ इस तरह से अभी अपना खेत दिख रहा है आपको, अंधेरा हो गया है, बाकी अगर अंधेरा नहीं होता तो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता अपना यह छोटा सा ऑर्चर्ड, ठीक है। तो इसमें हमने रूट स्टॉक MMX11 के जो प्लांट्स हैं इनमें यह स्टेम पैंट लगा दिया है, तो जितने हमने लैंड प्रिपेयर किया था ये देखिए उधर तक, ठीक
ठीक है। तो इस तरह से अभी प्लांट दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान एवं बागवान भाइयों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो यार देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप भी अपने एप्पल प्लांट्स के बीच में कुछ ना कुछ फार्मिंग कीजिए, ताकि जब तक हमारे ये प्लांट्स बड़े ना हो जाए तब तक हम नीचे ज़मीन से कुछ ना कुछ लेते रहें, जिससे हमारी आय का साधन एक बना रहे, तो हमारा बजट भी कहीं ना कहीं ठीक रहता है। ठीक है, बाकी धन्यवाद, मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक और नई वीडियो में।